हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कि वर्क डन वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्पेशली एक दो क्वेश्चन तो करेंगे, पहले कांस्टेंट फोर्स वाला एंड आफ्टर दैट हम आएंगे कि वेरिएबल फोर्सेस से कैसे हम वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो आओ भाई पहले पहले कांस्टेंट फोर्स एक दो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू दे दिया टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के, ठीक है। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, टू थ्री टू से लेकर के फोर फाइव फोर तक, या फोर फाइव सिक्स, कुछ भी ले लो ऐसा। अब फोर्स ए फिजिकल टू इतना डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट displaces an object from A to B, A to B, find करना है work done by the force, ठीक है। इस force के द्वारा work कितना हुआ, तो इसमें आपको पहले तो basic formula work का क्या होता है, force और displacement का dot product होता है, ठीक है। तो ये displacement A से B पर हो रहा है, तो इसका हम लोग displacement vector कैसे निकालते हैं। ए है और बी है, यहाँ पर दिया है टू थ्री टू दिया है, यहाँ फोर फाइव सिक्स दिया है, ठीक है। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए से बी पर जा रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर कैसे करेंगे, करेंगे फोर माइनस टू ले लेंगे और इसके साथ आई कैप लगा देंगे, फाइव माइनस थ्री कर दिए जो कि टू जे कैप हो गया, प्लस सिक्स माइनस टू ले लिए प्लस 4k कैप हो गया, ठीक है। x2 माइनस x1 i लगा दो, y2 माइनस y1 j लगा दो, z2 माइनस z1, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो यही हमारा r का वैल्यू आया, r वेक्टर आया। तो यहां से पुट कर लो, फोर्स का कितना है 2i 3j प्लस 6k कैप, ये फोर्स हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है टू टू फोर, तो यहां से लिए टू आई कैप टू जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। यहां से डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई को आई से करना होता है, जे को जे से करना होता है, अनलाइक वाला का जीरो होता है, तो हम सिर्फ इसको इससे ले लेते हैं, टू टू जा फोर, कितना हुआ फोर आया, फिर इसको इसके साथ ले लो थ्री टू जा सिक्स, और फिर इसको इसके साथ ले लो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ठीक है। सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर कितना हो गया थर्टी फोर, इतने जूल का वर्क हुआ इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। भाई यहां से एक फोर्स आई जे के, ये कांस्टेंट फोर्स है भाई, है ना, आई के साथ वैरी, आई को वैरी नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड अगर लगा दें इसके साथ तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है ए से बी तक, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल सा हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए से बी जा रहे हैं तो बी माइनस ए करके निकालेंगे, है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी जिसको हमने आर वेक्टर बोले यहां पर, तो ए बी इसका क्या लिखोगे ओ बी, बी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर माइनस करने से वेक्टर ए भी निकाला। उसी तरह से आपको अगर बी ए निकालना हो, मतलब बी से ए पर जा रहा हो, तो कैसे निकालोगे ओ ए माइनस ओ बी निकालोगे। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ओर आते हैं। तो एक तो ये हुआ कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर दे रखा हो तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जैसे कि हम बात करें इस तरफ आपको फोर्स दे रखा हो और इस तरफ मान के चलो डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। फोर्स वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स हो गया यहां पर। तो मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव किया, यहां पर आया, फिर यहां से नीचे आया, मान के चलो, फिर यहां से ऐसे गया, ठीक है, और फिर यहां से इस तरह से ऐसे आया, ठीक है, और एक और बना लो ऐसे, ऐसे आया, ठीक है, और आगे बना ले इसको, ठीक है।
तो इस तरह से आपको दिया गया, यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। हम यहाँ वैल्यू लिख दें, यहाँ पर मान के चलो कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर अगर बात करें इसका फोर्स का वैल्यू का बात करें तो मान लो 6 है, ठीक है, नीचे की ओर भी जा रहा है तो नीचे की ओर भी आपको दे रखा है, यहाँ पर 4 न्यूटन का दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर मान लो 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको बताना है कि इस केस में फोर्स टोटल वर्क डन कितना होगा फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन फिगर दिख रहा है, फिगर 1, 2 और ये 3, तो आपको करना होगा कि ये तीनों का एरिया निकालना होगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो तो आपको उसका एरिया ही देगा वर्क डन, क्या देगा, एरिया निकालने से हमको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहां से एरिया निकालो, इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, फर्स्ट फिगर का एरिया हाफ इंटू ट्रायंगल है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 0 to 4 लिखा है, बेस हो गया 4, इंटू हाइट कितना है, यहां से देख लो ये 10 का हाइट, ये वाला हाइट 10 है, तो फर्स्ट फिगर का निकल गया एरिया, प्लस सेकेंड फिगर का देख लो जरा, यहां से ये वैल्यू कितना है, यहां से यहां 4 से 6 मतलब 2 यूनिट है ये, और ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 4 into 2, 4 into 2 लगा दोगे, रेक्टेंगल है 4 into 2 लगा दो, प्लस ऊपर वाले का फिगर का फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 से 8 मतलब 2 का बेस है, इंटू हाइट कितना है, ये वाला हाइट यहाँ से देखोगे आओगे तो 6 पता चला, तो यहाँ पर 6 ले लिए। बट ध्यान रहे कि इसमें साइन यूज करना पड़ेगा, ऊपर एक्सिस का पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे में निगेटिव लेना होगा, तो ये डायग्राम आपका नीचे में बन रहा है, ये फिगर नीचे में है, सो इसका जो एरिया होगा आप यहाँ माइनस में लिखोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों है तो दोनों सबको प्लस कर देंगे, नहीं, ऊपर है तो पॉजिटिव वर्क डन, नीचे है तो निगेटिव वर्क डन, तो आप यहाँ से इसका इसका दोनों एक साथ प्लस में होगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकाले, 4 इधर और ये 2, लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी, भाई यहाँ से देख लो 2 2 या 4 कटा, ये 20 आया, सो 20 - 8 + 2 से 2 कैंसिल, 6 रह गया, 20 + 6 = 26 में से 8 हमने माइनस किया तो कितना आ गया 18 जूल का वर्क डन। वैसे फोर्स आपका न्यूटन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है इस एक्सिस पर दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वो आपका मीटर में है, तो फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है। तो इस तरह से एरिया निकालने से हमारा जो आएगा वो जूल में आएगा। क्या हम बोले कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कैसे निकालोगे आप वर्क डन, तो उस ग्राफ का एरिया निकाल दोगे, जैसे जैसे मूव किया है वैसे वैसे उसका वर्क डन निकाल दो, ऊपर का जो होगा वर्क पॉजिटिव लोगे, नीचे का निगेटिव लोगे, है ना, कैलकुलेशन एक साथ कर लो, जितने डायग्राम फिगर बन रहे हैं सारे का एक साथ पॉजिटिव निगेटिव कर लेना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्राफ से कैसे वर्क निकालते हैं। तीसरा बात करते हैं, अच्छा इसी में एक और दे सकता है, F1 F2 दो को फोर्स दे देगा और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो टोटल वर्क डन पूछा, तो आप पल एफ नेट निकाल लोगे, F1 + F2 दो को फोर्स दे दिए, सपोज करो कि F1 = ये दिए, F2 एक और दे दिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो वर्क डन नेट वर्क डन पूछा तो नेट फोर्स आप पहले निकाल लो F1 + F2 उसी फोर्स का यहां पर इस्तेमाल करोगे और डिस्प्लेसमेंट तो खैर निकालना जान ही गए आप, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ पर निकालेंगे, एरिया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया रहे तो और एक और ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स नहीं तो खत्म हो गया, अब वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए यहां पर आ रहे हैं, ठीक है भाई। इसमें एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FxdX प्लस इंटीग्रेशन FyDy प्लस इंटीग्रेशन FzdZ, साथ में यहाँ लिमिट लगा देना X1 से X2, ये Y1 से Y2, Y2 और ये Z1 से Z2, दिख रहा है ना ऊपर। तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क निकाल सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है, मेरा चश्मा कहाँ गया, हाँ ऊपर नहीं दिख रहा है हमको, लग रहा था कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलो तो ये मिटा दे, कांस्टेंट फोर्स का अगर वर्क डन था, ये ग्राफ का वर्क डन था, ठीक है, तो ये होंगे, इसको मिटा दे। चल,
तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस को लेते हैं। हाँ, तो यहां पर इस रूल का इस्तेमाल करना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, साथ में यहां लिमिट लगा देना, x1 से x2, इसमें ले लो y1 से y2 और इसमें ले लो z1 से z2। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन इसमें किस तरह से, जैसा कि लिखा है कि फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा वर्क के लिए फॉर्मूला क्या भाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं। ठीक है, ये कहां से आया पहले ये हम बताते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। इसी से बना है, कैसे बना हम बताते हैं भाई। फोर्स के जगह पर तो आप जानते हो फोर्स को ऐसे लिखते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, फोर्स को ऐसे लिखते हो। और आर को कैसे लिखते हो बताओ, वेक्टर फॉर्म लिखना हो आई जे के में कैसे लिखते हो, तो R को आप जानते ही हो इस तरह से x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, इस तरह से लिखते हो। अच्छा, अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो उसको ऐसे लिखोगे, d लगा दोगे, सारे जगह d लगा दो, dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इस जगह, और भाई यहां से dr ये है, तो फोर्स के जगह पर क्या लिए हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, इनटू ये वाला लेते हैं, बोलो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इसको आई वाले से इनटू करोगे, जे वाले को जे वाले से इंटू करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, के वाले को के वाले से इंटू करोगे, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो बताना एफ एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वर्क निकल रहा है, क्या निकल रहा है, छोटा सा वर्क निकल रहा है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट छोटा जब है तो वर्क भी छोटा ही होगा, तो इसलिए एक छोटे से वर्क की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क भी बहुत छोटा है, फिर उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब यहां से अगर हम निकाल लें एफ एक्स और इसको मल्टीप्लाई करो आई कैप आई के आई डॉट आई कैप, तो वन जे डॉट जे, तो आई से आई खत्म, मतलब कि आप इसको क्या लिख रहे हो एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा क्या मिल रहा है एफ वाई डी वाई प्लस तीसरा क्या मिल रहा है एफ जेड डी जेड, और ये हमारा डी डब्ल्यू हुआ। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया ना एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन, और अप्रोप्रिएट लिमिट आप यहां पर डाल दोगे। ठीक है, एक्स वन टू एक्स टू, वाई वन से वाई टू, जेड वन से जेड टू, तो यही वर्क निकालने का तो फॉर्मूला हम यहां पर लिखे हैं वर्क इज इक्वल टू। तो आया भाई कहां से, इसी से आया, एक फोर्स वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लोग ऐसे लिखते हैं। अब जब छोटा फोर्स है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी हमारा छोटा सा होगा, फिर उसका क्या किया कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद फिर इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों साइड, तो यही वर्क यही चीज तो फॉर्मूला यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए, ऑफ कोर्स एफ इज इक्वल टू मान लो 5x, ये देख लो भाई x है, x एक्सिस में दिया, फोर्स x के साथ वेरी कर रहा है, displaces an object from x is equal to 1 से लेकर के x is equal to 3 तक, ठीक है, मीटर में यूनिट, फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स, जो भी फोर्स दिया है उसके द्वारा वर्क डन आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये सिर्फ x में ये दिया है, मतलब सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप,
ठीक है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करो, साथ में x1 से x2 ये लिमिट डाल दोगे, मतलब कि यहाँ पर वर्ग पूछा जाए तो इंटीग्रेशन क्या लोगे, एफ एक्स क्या है ये, x डायरेक्शन में फोर्स है एंड dx, और दिस इज x1 टू x2, बताना यहाँ क्या है एफ एक्स का वैल्यू क्या है, फाइव एक्स दे रखा है। आई कैप भी लगा सकते हो इसमें, आई कैप लगा सकते हो इसमें भी, तो आई कैप हो जाएगा, दोनों वन हो जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट ये नहीं है भाई, फोर्स भी x के डायरेक्शन में है और ये जो x का डिस्प्लेसमेंट भी है x इक्वल टू वन से लेकर के x इक्वल टू थ्री तक, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ से x1 से x2 लिमिट लगा दो, यहाँ से 5x का आपको इंटीग्रेट करना है विथ लिमिट 1 से लेकर के 3 तक, x1 से x2 तक, तो ये x1 हुआ और ये सपोज करो x2 हुआ, तो कितना होगा, यहाँ से 5 बाहर निकल गया, एंड दिस इज dx, सो यहाँ से आप निकाल लो 5 बाहर और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, साथ में आपको लिमिट जो पुट करना है ये पुट कर लो, 5 बाई 2 बाहर है यहाँ से, बताना x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर पहले लेना है, माइनस फिर x के जगह पर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है, तो कितना यहाँ से हो गया 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 20 जूल का बर्फ आया, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा चीज था, एक सिंगल फोर्स दिया हुआ था, अब इसी में एक और हम क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि वेरिएबल में एक और दे दिए, फोर्स का वैल्यू हम दे दिए, सपोज करो 2x i कैप प्लस 2j सॉरी y k कैप 2y j कैप प्लस या 3y स्क्वायर है, क्या ले रहे हैं 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 2 जेड के कैप, टू जेड के कैप, ये एक फोर्स दिया, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1 से लेकर के 2 2 3 तक का, ठीक है। फोर्स ये जो दिया है डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए से बी, ये बी पोजीशन है, ठीक है, आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा कितना। अब देखो भाई यहां पर ये जो फोर्स दिया है अलोंग एक्स एक्सिस वैरी कर रहा है, वाई एक्सिस में भी वैरी कर रहा है और जेड एक्सिस में वैरी कर रहा है, पूरी तरह से वेरिएबल फोर्स है, ये सिर्फ एक्स में वैरी कर रहा था, ये एक्स वाई जेड तीनों में वैरी कर रहा है, ये वेरिएबल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये वेरिएबल फोर्स हो तो क्या करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला रूल, तो चलो ये रूल हम यहां लिखते हैं, w इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy लेना है dy प्लस इंटीग्रेशन fz एंड दिस इज dz, आपको यहां x1 से x2, x1 से x2, y1 से y2 और फिर यहाँ z1 से z2, जरा पुट करना है यहाँ से, fx x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स क्या है 2x, तो यहाँ लिख दिए 2x dx प्लस फिर से यहाँ fy y एक्सिस के लॉन्ग 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर एंड दिस इज dy प्लस फिर से 2z है, 2z है एंड दिस इज dz, ठीक है। अच्छा लिमिट्स जो भी है देख लेना भाई, अब लिमिट कैसे लोगे, x1 से x2 मतलब x1 ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्या x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x1 1 है और x2 2 है, मतलब इसमें आप 1 से 2 डालोगे, फिर y1 y2 तो y1 है 1 और y2 है 2, फिर से यहाँ 1 और 2 z1 z2 तो 1 से कितना 3, ठीक है 1 से 3 डालना है, Z1 था, ठीक है, देख लो X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। अब यहां से 2X का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहां से 2 बाहर लोगे, X का इंटीग्रेशन X स्क्वायर बाई 2, लिमिट तो पुट करना ही आपको 2 और 1, प्लस यहां से देखना जरा 3Y स्क्वायर है तो 3 बाहर और Y स्क्वायर का कितना Y3 बाई 3 होगा और यहां से भी लिमिट आपको
टू और नीचे वन है, यहां से आओ प्लस टू बाहर और जेड का होगा जेड स्क्वायर बाई टू, यहां पर थ्री और यहां पर वन, दिख रहा है हम परिचय? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां से फिर हम आगे बात करें भाई, यहां देखो टू से टू कैंसिल हो रहा, इसमें थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा भाई, इसमें तो लिमिट नहीं पुट करोगे ना, ये तो कांस्टेंट नंबर है ये, है ना, तो इसमें तो पुट होगा नहीं लिमिट, जो भी आपका एक्स वाई जेड में उसमें अपर लोअर काम करने वाले हो। अच्छा इसमें भी देखो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, ये क्या है जेड है, ठीक है। आओ भाई एक्स के जगह पर टू रखना है तो टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सो हम लिए टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, पहला वाला सॉल्व हो गया, प्लस y क्यूब है ना, मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब लेना है माइनस 1 का क्यूब, प्लस इसमें चले 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही आपका फाइनल वर्क डन आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आया 3 आया, प्लस 8 माइनस 1 7 हो गया, प्लस 3 9 9 माइनस 1 8 हो गया, तो कितना हो गया 18। तो इस तरह से 18 जूल का वर्क हो रहा है। तो करना क्या था कि देखो भाई यहाँ x फोर्स जो है ना x y z तीनों में वैरी कर रहा है ना, और किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम 1 to 1 से लेकर के 2 to 3 तक का, तो आपको बताना था कि वर्कडन कितना होगा। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जब भी आपका कॉन्स्टेंट वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क दिया रहे, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आपको वर्क विथ लिमिट्स x1 x2 y1 y2 z1 z2 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चंस करवाते हैं, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, तो इसको मिटाएं, हाँ इसको हटाते हैं। तो बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। एक और देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वर्कन बाय वेरिएबल फोर्स का, तो जैसे मान लिया जाए कि एक फोर्स दे दिया आपको, क्वेश्चन लगा दिया, अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है, अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है, फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, छोड़ो हम डायरेक्ट इक्वेशन दे रहे हैं। सपोज करो कि x इज इक्वल टू दिया है आपका, t इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर x³ by 3 दिया है, t क्या है यहाँ पर टाइम है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का आपको एक इक्वेशन दे रखा है t इज इक्वल टू x³ by 3, ठीक है। आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा बाय अ फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा, गिवन है आपका मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 2 kg, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, t इज इक्वल टू x³ by 3 दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड जहां की ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है, ठीक है भाई। यहां पर हमको तो फोर्स पहले निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो फोर्स कैसे निकालोगे यहां से, सबसे पहला चीज है फोर्स कैसे निकालोगे। तो यहां से करना क्या होगा, फोर्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं पहले हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो भाई मास तो हमारे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं 2 kg का है, बट एक्सेलरेशन का सवाल है, तो हमको तो ये डिस्प्लेसमेंट और इसका इक्वेशन दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो आओ यहां से पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है d / dt ऑफ x,
भाई पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, v इक्वल क्या होता है, dx बाई dt होता है। अच्छा तो यहां से d बाई dt ऑफ x का वैल्यू क्या दे रखा है, t क्यूब बाई 3, वो तो उल्टा लिख दिया लगता है, सॉरी यहां पर x है और ये t है, उल्टा लिख दिया है तो x का वैल्यू t क्यूब बाई 3, तो आप यहां से t क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कितना मिला यहां से t क्यूब 3 बाहर हो जाएगा, पहले तो 1 बाई 3 बाहर हुआ, 1 बाई 3 को बाहर कर लिए, t क्यूब का कितना हो जाएगा 3 t स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आपका कितना आया, v इक्वल टू dx बाई dt आपका आ गया कितना 2t t स्क्वायर, 3 बाहर t स्क्वायर। चलो भाई वेलोसिटी मतलब कि dx by dt आपका आया यहां से t स्क्वायर आया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या भाई, एक्सेलरेशन आपको चाहिए, तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं, शायद कांस्टेंट आ जाए या फिर वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन कैसे काउंट करते हो, d by dt ऑफ वेलोसिटी करते हो, ठीक है। सो वेलोसिटी कितना आया है, t स्क्वायर का आया है, तो आप यहां से t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर कितना मिला आपको यहां से 2t मिला, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ यहां वेरी कर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, तो फोर्स भी आपका वेरिएबल हो गया भाई, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है विद टाइम, तो आपका फोर्स भी तो वेरी कर गया, वेरिएबल फोर्स है, हमें यहां पता नहीं कि कैसा फोर्स है, एक्सेलरेशन बताएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका वेरिएबल है। तो अब भाई यहां से हम अगर पुट करें फोर्स के लिए, तो मास कितना दे रखा है 2 * एक्सेलरेशन कितना आया 2t का, कितना हो गया 4t आ गया आपका फोर्स, तो ये फोर्स आपका वेरिएबल है, सही बात है। तो अब आप वर्क निकाल सकते हो, तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या बोलता है, वेरिएबल फोर्स है ना, तो जो भी फोर्स दिया है i * डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले भाई dx, तो ठीक है बात है fx dx, ठीक है। अच्छा x से सब वेरी कर रहा है, अब यहां से देखना जरा, f का मतलब f x है, दिस इज 4t * dx का मतलब क्या है, अब dx को भाई ये तो इंटीग्रेशन होने से रहा, और 2 सेकंड में है ना, तो 0 से 2 हम लगा देते हैं ये लिमिट, ठीक है। अब ये सोचना जरा, ये dx है और यहां पर t का टर्म है, तो क्या dx यहां रहने से ये t वाले का होगा, नहीं होगा ना, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि dx को हटा के dt में चले जाओ, कहीं कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाए जिससे कि dx हट के dt में आ जाए, तो इसका आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो हम इस पे जरा फोकस करें, यहां से देखो dx by dt है ना इक्वल टू कितना आया t स्क्वायर, सो क्या हम इससे dx इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या dx इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, यहां से हम ले सकते हैं dx इक्वल टू t स्क्वायर dt ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ये वैल्यू, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, यहां कहां से आएगा dx इस पे तो है ही नहीं ना, तो आपको ऊपर जो डिफरेंशिएट किए हो उसी में dx और dt नाम का चीज आ रहा है, सो वहीं से हम dx इक्वल टू समथिंग dt निकालेंगे, भाई इसमें कहां से, इसमें तो dx नाम का चीज ही नहीं है, तो dx को dt में कैसे ले जाओगे, तो यहां से हम क्या करते हैं कि dx को अगर हम ये वैल्यू लिख दें, dx हटा करके अगर हम t स्क्वायर dt लिख दें, t स्क्वायर dt, तो मेरा काम बन जाएगा, अब ये t काउंट हो जाएंगे एक साथ और dt यहां है, मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो भाई यहां से 4 को तो पहले हम बाहर कर लिए, सवाल रह गया t स्क्वायर * t कितना और t क्यूब हुआ, तो t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बोलते हो, t की पावर 4 / 4 और लिमिट आपका 0, ठीक है। तो फोर्स कितना बाहर कितना है 4, 4 से 4 ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है 4 से 4 ऐसे ही कैंसिल, तो कितना हो गया 4 यहां से बाहर, t का स्क्वायर 2 का पावर 4, तो कितना हो गया 2 की पावर 4 मतलब 16 है ना, तो 16 जूल का यहां पर वर्क आया, कितना आया 16 जूल का, कैसे कैसे जरा देख लेना, x is equal to दे रखा है t cube by 3 आप, ठीक है, तो find work done in first 2 second,
मास दे रखा है 2 kg का। हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला, डिफरेंशिएट किया, x को tq/3 है, tq/3 तो 1/3 यहाँ से बाहर निकला, tq का हुआ 3t2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, t2 बच गया। सो dx इज इक्वल टू t2 dt लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितना आ गया हमारा t2, इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किए तो 2t मिला, तो 2t मिला यहाँ से, तो एक्सेलरेशन 2t हो गया। और मास कितना दे रखा है, मास दिया है 2 kg का, तो यहाँ से फोर्स कैलकुलेशन कर दिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2t है, 2 × 4t आया, यही फोर्स है, तो fx dx लगा दिए, 4t इंटू dx है, तो dx हृदय पर सोचे कि कैसे जाएं, तो यहाँ से आया dx इक्वल टू t2 dt, तो t2 dt 4 यहाँ से बाहर किए, सवाल रह गया tq का कितना होगा, t4/4, 4 से 4 कैंसिल, 0 टू 2 लिमिट है, 2^16 जूल का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कि आपका कुछ डिफरेंशिएशन से इस्तेमाल हो गया, मतलब कि पहले आप वेलोसिटी निकाले, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन निकाले, तब आप फोर्स निकाले, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वर्क डन निकाले, ठीक है। चलो ये तो हुआ, क्लियर है, देख लें फिर से, हाँ क्लियर है, ठीक। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है कि एक ग्राफ यहां पर दिया है, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट का और इस तरफ है एक्सेलरेशन का, ठीक है, और कुछ ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाया है, और एक पार्टिकुलर टाइम में दिया है कि एक्सेलरेशन एक पार्टिकुलर टाइम में 20 का है, m/s² है एक्सेलरेशन, और उस समय जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है वो 8 का है, 8 m का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, समझो बात को। एक ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एक पार्टिकुलर, और ये ग्राफ स्ट्रेट गया है, ठीक है, लिनियरली वेरी कर रहा है, इसमें एक पार्टिकुलर टाइम में 20 m/s² का एक्सेलरेशन है, इन दैट टाइम क्या है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 m का है, तो आपको एक्सेलरेशन और ये दोनों इस तरह से रिलेटेड है, a इज इक्वल टू अल्फा x, ये दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों की सीक्वेंस से रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको बताना है वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय द फोर्स है ना एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है ना, एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 8 m, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है जो 8 m का डिस्प्लेसमेंट दिया है, और ये फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 8 m, तो आपको उस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क के लिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहां सवाल ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा एक्स जो दिया है, यहां पर लीनियर वेरिएशन है, देखो भाई जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से ये बढ़ेगा, तो सबसे पहला तो कि आप यहां से ये कांस्टेंट जो अल्फा दे रखा है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे, तो अगर ये लीनियर वेरिएशन है तो आप यहां से अगर अल्फा इज इक्वल टू निकालना चाहो तो क्या होगा, ए बाई एक्स होगा, मतलब एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है, तो ए कितना है पार्टिकुलर टाइम, ये 20 है, उस समय डिस्प्लेसमेंट 8 का है, अगर आप इसको लोवेस्ट करो तो कितना हो जाएगा 4/5 × 4/2 × 5/2 m, जो भी यूनिट बने, यूनिट क्या बनेगा देख लेना भाई, यहां से ये m/s² है, किसी में है m/s² और नीचे क्या है मीटर में, तो यूनिट अगर लिखना चाहो तो देख लो m/s² और नीचे मीटर है, क्या होगा मीटर से मीटर कैंसिल, sec2 − s2 − है ना s2 − ठीक है, s का मतलब सेकंड है भाई, लो लिख देते हैं, ठीक है,
ठीक है। अच्छा तो ये आगे अल्फा का वैल्यू आपको आपको करना क्या, वर्गन निकालना। तो वर्गन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो चाहिए, फोर्स इक्वल टू क्या होगा सोचो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया है, मास 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 कहाँ गया, मास तो इसमें नहीं दिया है, 100 ग्राम। क्वेश्चन लिख दें, 100 ग्राम ब्लॉक मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, 100 ग्राम ब्लॉक है, कितना 100 ग्राम का ब्लॉक है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अवे एज पर 12 फैक्स हटा देते हैं, इन सच अवे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ग्राफ इज एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। ठीक है, 100 ग्राम ब्लॉक ये मास दे रखा है, ठीक है, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ग्राफ इज एज शॉन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है। फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग अलोंग जो एक्स एक्सिस करना है, ठीक है, फाइंड द वर्क डन, यहां से हटा दें, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है जो कि एक्स एक्सिस में लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से किए, यहां से कैलकुलेट कर देते हैं इसको, ठीक है। सो सबसे पहले क्या किए, ए इज इक्वल टू अल्फा एक्स, इक्वेशन दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, इस हिसाब से रिलेशन में है दोनों। सो यहां से अल्फा आप निकालोगे तो क्या होगा, ए बाई एक्स होगा, दैट इज 20/8 हो गया, 4 5 4 2 5/2 का आया। अब यहां से आप फोर्स निकाल रहे हो, तो फोर्स का क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा तो मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम का ब्लॉक है, 100/1000 ले लो, सो दैट क्या आपका ऐसा यूनिट में चला जाए, इनटू अल्फा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये अल्फा एक्स है, ठीक है। तो ये 1/10 इनटू अल्फा का वैल्यू यहां से आप निकाल चुके हो, ये वाला 5/2 का है, इनटू एक्स, तो एक्स तो भाई एक्स रहेगा ही यहाँ से, ठीक है, 5 से यहाँ कट गया, 5 2 10 मतलब एक्स बाई फोर का आया, ठीक है, एक्स बाई फोर न्यूटन का फोर्स आया, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो बस आपको निकालना क्या, वर्क डन निकाल लो, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ डी एक्स, फोर्स एक्स के लोगे, डिस्प्लेसमेंट तो उधर ही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, एफ लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही चीज है। सो भाई यहां से कर लो 0/8 का है, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया है, एक्स बाई फोर का, एक्स बाई फोर एंड इज डी एक्स 0/8, ठीक है। अच्छा यहां से 1/4 बाहर हो गया, 1/4 बाहर हो गया, बचा एक्स, तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, बिल्कुल। अच्छा 0/8 लिमिट लेना है, तो अब ये 2 को बाहर कर लो, 1/8 हो गया यहां से, 1/8 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर लेना है, यहां से कट के कितना आया 8, मतलब 8 जूल का वर्क डन होगा, ठीक है। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि 100 ग्राम ब्लॉक मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अवे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ग्राफ इज एज शोन इन फिगर, जिस समय एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर का है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, ए इक्वल टू अल्फा एक्स से। भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है।
तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू निकाल ली ए बाई एक्स करके, जिस समय ए इतना है तो एक्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो 5/2 आया। फोर्स निकाले मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 100 ग्राम ब्लॉक का दिया है इनटू एक्सेलरेशन अल्फा एक्स, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एक्स तो एक्स है, मतलब फोर्स आपका वही वेरिएबल, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद वर्क डन निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन ले लिए, ठीक है, देखें क्लियर है। हाँ देखिए, ठीक है, मिटा दे। और क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स का, तो नेक्स्ट फोर्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एफ इज इक्वल टू 2x जे कैप। अब ये जे कैप लगने का मतलब तो समझ गए कि आपको y डायरेक्शन में फोर्स दिया है, समझना अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फोर्स एफ इज इक्वल टू 2x जे कैप, अब ऐसा तो नहीं है कि जे कैप लगा है तो वाई ही उसके साथ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आई लगा है तो उसके साथ एक्स ही होगा, भाई वाई में भी वेरी कर सकता है, जेड में भी वेरी कर सकता है, तो आपको यहाँ जे कैप जो दी वो एक्स में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2x जे कैप डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज इन अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 meter, ठीक है, एज शॉन फिगर, एज शॉन इन फिगर, ठीक है। आपको बताना है कि इसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा। फोर्स एफ इज इक्वल टू 2x जे कैप डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 meter एज शॉन इन फिगर। भाई फिगर क्या है, फिगर ये दे रखा है कि समझना क्वेश्चन को, ऐसा कुछ स्क्वायर लूप है, मान लो कि ये ओरिजिन पर है, यहां से मान लेते हैं, यहां से कुछ ऐसा मान लो ओरिजिन यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो यहां से 2 meter, ये इसका कितना है साइड है 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter, सारे साइड 2 meter है, ठीक है, और इस तरह से फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस कर रहा है इसको इन अ लूप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो आपको बताना है वर्क डन, भाई हम ये बात करें फोर्स आपको जो दे रखा है क्या है, एफ इज इक्वल टू 2x जे कैप, मतलब ये y डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब हम अगर डायरेक्ट बात करें ना तो यहां पर वर्क डन जीरो होगा, यहां पर वर्क डन जीरो होगा, कैसे भाई आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट में, क्या पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट में, आप जानते हो कि i डॉट j क्या बनता है, जीरो बनता है, अनलाइक का तो करते नहीं है। अब सोचो जरा ये फोर्स आपका y डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ये जब x डायरेक्शन आप लोगे तो j कैप और i कैप क्या हो जाएगा, जीरो, यहां यहां भी वही कहानी। तो इस केस में और इस केस में वर्क डन जीरो होगा, जो भी निकलना है वर्क डन इसी केस में निकलेगा, आप सिस्टम वाइज करते हैं, करते हैं सिस्टम वाइज। तो चलो हम नाम कुछ ऐसा दे देते हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है और यहां से डी है। तो हम टोटल वर्क डन की बात करें ना तो इंटीग्रेशन जो फोर्स दे रखा है इस तरफ जा रहा है ना, कितना फोर्स है, ले ले फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट 2x
जे कैप फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा कोऑर्डिनेट्स लिख लो जरा, डिस्प्लेसमेंट 0 0 2 मीटर आगे बढ़ा तो इसका क्या होगा 2, 0। इसका भाई वाई एक्सिस पर दो ही है साइड तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 2 होगा। सवाल है इसका सी का, तो सी का कितना होगा 2 होगा। तो भाई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 का हो रहा है तो आप यहाँ से 0 से 2 मारोगे तो ये तो फोर्स का वैल्यू लिखे, आप डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है। तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो हमने यहाँ लगाया dx i कैप क्यों लगाए एक्स डायरेक्शन में, यहाँ आएंगे तो नेगेटिव पे चल रहे हैं तो माइनस आई कैप लगाएंगे। तो ये पहला एबी वाले का हुआ, एबी वाले का जो कि आपको ये पूरे 0 होने वाला है भाई, जे डॉट आई 0 होगा प्लस यहाँ पर इसमें चले तो फिर से फोर्स भाई 2 से 2 की ओर मूव कर रहे हैं, 2 से 2 की ओर है ना, तो 2 से 2 लिमिट होगा। अच्छा कितना फोर्स है 2x जे कैप और डिस्प्लेसमेंट कितना का है, डिस्प्लेसमेंट dx जे कैप, भाई जे कैप फिर y में जा रहे हैं, जे कैप पॉजिटिव y में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम जे कैप लगा दिए ठीक है। अच्छा प्लस फिर से यहाँ पर आना है इंटीग्रेशन 2x जे कैप, ये तो फोर्स आपका दे दिया ना कि j ही में बैरी कर रहा है, y एक्सिस में ही बैरी कर रहा है, x के साथ बाई एक्सिस चल रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx और यहाँ पर माइनस आई कैप लगाना पड़ेगा। क्यों भाई इस डायरेक्शन में, भाई इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, भाई यहाँ भी आपको तो 0 ही मिलने वाला है, क्यों भाई j डॉट i 0 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर 0 हुआ। प्लस फिर हम बात करें इस केस में d से a आना, तो d से a के केस में फोर्स कितना 2x जे कैप, इतना 2x जे कैप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव जे कैप होगा, dx पर लगाओ dx और नेगेटिव जे कैप, बोलो सही है भाई, फोर्स आपका इधर है डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है ना, नेगेटिव जे कैप हो गया भाई। यहां से तो आपको 0 मिला AB में, BC में मिलेगा आपको, ये BC वाला है, ये AB वाला जिसमें 0, ये CD वाला है C से D जाने वाला जो कि 0 हुआ, और ये D से A वाला, D से A वाला में देख लो यार लिमिट को, तो D से A जा रहे हो मतलब क्या हुआ y में चल रहे हो तो आपका ये लिमिट पुट होगा है ना y में, y में यहाँ पर कितना है 2 है उससे 0। तो चलो यहाँ से देख ले कितना होगा भाई, यहाँ से आगे आपका 2j.j1 हो जाएगा, 2 बाहर हुआ ठीक है। अच्छा हम y में चल रहे हैं ना, यहाँ y में चल रहे हैं तो ध्यान रहे ये वाला नहीं लेना है आपको, आपको ये वाला लेना है 0 से 2 का लेना है, वेरी सॉरी यहाँ पर हम 0 से 2 लेंगे भाई, y में चल रहे हैं ना तो 0 से 2 ले रहे हो, जब यहाँ x में चल रहे हो x में भाई ये तो ऐसे ही 0 हो रहा है, बट लेना अगर चाहो तो 2 से 0 में है ना, 2 से 0 में अगर लेना चाहो तो यहाँ 2 से 0 में चलो ठीक है, यहाँ x वाला वैल्यू x में चल रहे हो, x वाला ये है ठीक है। प्लस तो यहाँ पर निकालो भाई इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर हुआ, अच्छा x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गया 2 से 0। प्लस यहाँ पर पढ़ो प्लस के ये, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 से 2 ऐसे ही खत्म हो गया आपका 2 से 2 खत्म। सवाल रहा यहाँ का, तो यहाँ से भी 2 बाहर हुआ और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 ठीक है। लिमिट देख लो इसमें, यहाँ से यहाँ आए हो y डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो यहाँ से y1 कितना है 2 और ये 0, तो यहाँ से 2, 0 ठीक है। अच्छा सॉल्व कर लो इसको यार, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, बताना 2 का स्क्वायर से कितना मिला यहाँ पर 4 मिला माइनस, फिर यहाँ पर यूज करो, अच्छा ये निगेटिव होगा ना, देखो ये माइनस होगा, ये माइनस पहले आ जाएगा मतलब यहाँ पर ये माइनस हुआ। अच्छा x के जगह पर अपर लिमिट 0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ठीक है, कितना हो गया 4 4 + 4 कितना हो गया 8 जूल का वर्क होगा।
भाई बहुत सिंपल था, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, आपका फोर्स दे रखा है 2x जे कैप, मतलब ये जे वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, तो जीरो वर्क, तो यहाँ जीरो वर्क होगा, यहाँ जीरो वर्क होगा, वर्क जो भी कैलकुलेशन होना है यहाँ से यहाँ, बट ध्यान रहे जब यहाँ से यहाँ निकालोगे वाई में चल रहे हो आप, तो ये वाला लिमिट्स लेना पड़ेगा जीरो से टू, जब इसमें चलोगे एक्स में चलोगे तो टू से टू, टू से एक दो तीसरा, बट ये जीरो हो गया है, इसका जब लिखोगे लिमिट्स लिखना चाहोगे ना एक्स में चल रहे हो ना, तो टू से, टू से जीरो, टू से जीरो, ठीक है। अच्छा फिर ये चल रहे हो वाई में चल रहे हो, तो वाई में चल रहे हो तो कितना है टू और यहाँ जीरो, तो लोअर लिमिट टू है अपर लिमिट जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से 8 जूल का वर्क है। तो चलो भाई जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हो सकता था वेरिएबल फोर्सेस का आज हम लोग किए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही पार्ट था, करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।